welcome to the channel abhilash coach and educationist established 2008 and serving to students since 2008 today we are going to deal with the subject called history and in history we are going to deal with the topic Indian national movement 1857 till 1917 in this unit today we are going to discuss the first war of independence 1857 history is considered to be one of the most boring subjects but uh, we have no other choice than to study so ultimately, we have to study. But uh, if we try to make it somewhat interesting, and to make anything interesting, first of all, you have to feel that really it is interesting. So, history is the term which is derived from the Greek letter historia, meaning inquiry or knowledge. Acquired by investigation. This means the study of the past. To describe, examine, question, and analyze a sequence of past events, investigate the patterns of cause and effect that are related to them. आज जिस प्रॉब्लम में हम फंसे हुए हैं फॉर एग्जांपल लॉकडाउन इतिहास के लिए तो ये पहली बार नहीं है बट जो जनरेशन आज देख रही है इसे उसके लिए ये एक बहुत बड़ा इशू है बहुत बड़ा मसला है बहुत बड़ा मुद्दा है लेकिन जो जानकार लोग हैं जो हिस्टोरियंस हैं वो सौ साल पहले तो थे नहीं तब की सिचुएशन में ऐसा क्या हुआ था कैसे कंट्रोल किया गया था पैनिक को कैसे पब्लिक को कंट्रोल किया गया था क्या कमियां उस वक्त रह गईं जो हम ना दोहराएं ये सब एक बून है हिस्टोरियंस के लिए हिस्ट्री पढ़ने वालों के लिए सो <laughs> so, If you don't like history, do not think to become an investigating officer. If anybody is having aspiration to be an IAS, an IPS, or any such designation or post, jahan pe आपको investigation की जरूरत पड़ती है, जो अमूमन हर जगह पड़ती है. So <laughs> अब आपके पास कोई option नहीं रह गया है.

और या तो हिस्ट्री ऑफ दैट पर्टिकुलर नेशन फॉर एग्जाम्पल लेट्स कंसिडर आर सेल्स वी विल डील विद टू हिस्ट्री वर्ल्ड हिस्ट्री एंड द इंडियन हिस्ट्री वर्ल्ड हिस्ट्री इंडियन हिस्ट्री चाहे जो भी हो दे आर फर्दर सब क्लासीफाइड इन टू एंशियंट हिस्ट्री मिडीवल हिस्ट्री एंड द मॉडर्न हिस्ट्री एंशियंट मतलब सबसे पुरानी मिडीविल मतलब मिडिल की एंड मॉडर्न मतलब करेंट सो दिस इज वॉट द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री सब्जेक्ट लेट्स कम बैक टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आज़ादी के लिए हुई पहली लड़ाई फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एटीन फिफ्टी सत्तावन में पहली लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तान में शुरू हुई द प्रोसेस ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया एंड द कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल वॉज ए कंपनी बाय रिसेंटमेंट अमंग द इंडियंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट यू टू मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स कैन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स द वेरी फर्स्ट थिंग दैट योर इंग्लिश हैज़ टू बी वेरी एनरिच्ड Very refined to understand any subject. Keep your dictionary, do refer the word meanings, underline the referred words into your dictionary so that the next time, if you will come across the same word, third time you need not to see the meaning ever. The second important thing is to make the notes. Mere listening to the videos. वॉचिंग द वीडियोज़ विल नाट हेल्प यू आउट सो यूज़ डिक्शनरी एंड रिच यू वोकेबलरी एंड मेक नोट्स सो ये जो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट था हिंदुस्तान में इसके प्रोसेस और ब्रिटिश राज्य मजबूत होता जा रहा था जिसकी वजह से इंडियंस काफ़ी मायूस थे इस मायूसी ने रेबेलियन रेबेलियन यानी किसी चीज़ को अपोज करना रिसेटमेंट गेव राइज टू रेबिलियंस एंड दीज रेबिलियंस व लोकल स्कैटर्ड एंड आइसोलेटेड एक जगह पे सेंट्रल पावर नहीं होने की वजह से हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश था आज भी है तो आवाम यानी कि पब्लिक अलग अलग जगहों पे फैली हुई थी इसलिए इसे लोकल स्कैटर्ड एंड आइसोलेटेड कहा गया है हेंस दे डिड नॉट पोज अ सीरियस चैलेंज टू द ब्रिटिश अगर सब एक साथ होते एक बड़ी पावर बनती ऐसा हुआ नहीं इस वजह से ये जो रेबेलियन था ये जो रिसेंटमेंट था ये एक सीरियस चैलेंज ब्रिटिश के लिए नहीं थी द कलमिनेशन ऑफ सच ऑपोजिशन टू ब्रिटिश रूल केम with the first war of independence in 1857 affecting peasants artisans and soldiers who had mainly participated in this significant event in the indian history choti choti mayusi choti choti duk dard ये सब इकट्ठा हुए और 1857 में एक साथ ये आउटबर्स्ट हुआ नॉर्मल लाइफ में भी हम देखें तो अगर हमें कोई बार बार तंग करता है परेशान करता है और अगर हमारी सहन शक्ति परसिवरेंस पावर ज़्यादा है तो हम एक टाइम तक सहते हैं और उसके बाद हम फट जाते हैं तो ठीक वैसा ही कुछ हमारे हिंदुस्तान के इतिहास के साथ हुआ और इसमें सबसे अधिक अफेक्ट हुए किसान छोटे छोटे आर्टिसन्स जो हैंडी क्राफ्ट एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में काम करते थे और सोल्जर्स हमारे दुनिया में कोई भी चीज़ बिना कारण नहीं होती है और हिस्ट्री में तो बिल्कुल भी नहीं सो द काजेज़ ऑफ फर्स्ट वॉर ऑफ़ इंडिपेंडेंस ऐसा क्या हुआ क्या कारण थे वो देखते हैं make a note when you study history most of the incidents or events will certainly have causes and in most cases these causes are further subdivided into aam taur pe history ka aap koi bhi topic कोई भी इवेंट इंसिडेंट आप स्टडी करिए उनमें कॉजेज ये ब्रॉडली इन्हीं चार पार्ट्स में डिवाइड होते हैं पहला होता है राजनीतिक पॉलिटिकल कॉज दूसरा इमीडिएट कॉज इमीडिएट कॉज क्या होता है वैसे तो बहुत सारे कारण होते हैं बट वो मेन एक कारण जिसकी वजह से वो इवेंट हुआ वो होता है उसका इमीडिएट कॉज इकोनॉमिक कॉज आर्थिक कारण सोशियो रिलीजियस कॉज सामाजिक धार्मिक कारण मिलिट्री कॉज ये पांच मेन ब्रॉडली काजेज होते हैं हिस्ट्री में इसे हमेशा याद रखिए तो बात करते हैं पॉलिटिकल काजेज़ क्या थे व्हाट वर द मेजर पॉलिटिकल कॉजेज इन द फर्स्ट वॉर ऑफ़ इंडिपेंडेंस 1857 फिफ्टी द वेरी फर्स्ट वन वाज पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन ब्रिटिश हमेशा अपना राज्य बढ़ाना चाहते थे ये जो कहा जाता है कि ब्रिटिश के राज में उनका सूरज कभी डूबता नहीं था इसका मतलब ये है कि आप ज्योग्राफी अगर पढ़ें सो उसमें सूरज की रोशनी पृथ्वी में एक साइड पड़ती है तब होता है दिन और दूसरी तरफ होती है रात तो अंग्रेज़ों का राज्य सारे विश्व में था इस वजह से कहा जाता था कि इनका सूरज कभी नहीं डूबता सो so यही पॉलिसी ऑफ़ एक्सपेंशन इनका मोटो था जो शुरू हुआ बैटल ऑफ प्लासी से प्लासी बेसिकली बंगाल का एक कस्बा है पलाशी पलाशी प्रोनंसिएशन ब्रिटिश के लिए टफ था इस वजह से उन्होंने पलाशी को पलासी कर दिया ठीक उसी तरह जिस तरह से उन्होंने सिपाही को सिपाए कर दिया उनके साथ प्रोनंसिएशन का प्रॉब्लम था सो बैटल ऑफ पलासी सेवेंटीन फिफ्टी सेवन में स्टार्ट हुआ विच वाज द बेंच मार्क चार तरह से ये एक्सपेंशन करते थे फोर पॉलिसीज़ देव इंट्रोड्यूस्ड expand their territory the number one is the by outright wars second by subsidiary alliance third by doctrine of lapse fourth by pretext of alleged misrule now we will see in detail by outright wars what does it means इट हैपन्ड फॉर द फस्ट टाइम इन बैटल ऑफ बक्सर सेवनटीन सिक्सटी फोर में बक्सर एक शहर है बिहार में एंग्लो मैसूर वॉर्स सेवनटीन सिक्सटी सेवन से सेवनटीन नाइन्टी नाइन तक हुए इन दौरान फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुए एंग्लो वर्ड कभी भी आए सो डो नॉट गेट कन्फ्यूज एंग्लो वर्ड हमेशा इंग्लिश के लिए यूज़ किया जाता है सो एंग्लो मैसूर मीन्स फाइट बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड द मैसूर स्टेट फिर एंग्लो सिख वॉर हुआ ये भी एक एग्ज़ाम्पल है जो बाय आउट राइट वॉर्स पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश सपोर्ट करता है एंग्लोसिक वॉर 1823 से 1856 तक हुआ सो so, इस तरह बाय आउटराइट वॉर्स की पॉलिसी से पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन से इन्होंने दैट मींस ब्रिटिश दे हैड स्टार्टेड फ्रॉम पलाशी बक्सर पंजाब सिंध मैसूर उड़ीशा मराठा टेरिटरी एंड दे हैड एक्सटेंडेड टिल असम एंड म्यांमार This was a policy of expansion. After by outright wars, the second was subsidiary alliance. This was introduced by Lord Willesley. It was an agreement between the British East India Company and Indian princely states. ब्रिटिशर्स जो थे उनका करार हुआ था उनका करारनामा था भारत के राजाओं के साथ कंडीशंस कुछ इस प्रकार थी दे हैव टू एक्सेप्ट ब्रिटिश एज द सुप्रीम पावर दे हैव टू सरेंडर ऑल देयर फॉरेन रिलेशंस टू ईआईसी यानी कि अगर कोई समझौते हिंदुस्तान के किसी गैर मुल्क के साथ हैं किसी फॉरेन कंट्री के साथ हैं तो उन्हें वो किसे सरेंडर करना है ई आई सी दैट मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिशर्स दे हैव टू एक्सेप्ट अ ब्रिटिश रेजिडेंट एट देयर हेड क्वार्टर्स एंड हैड टू अग्री नॉट टू एम्प्लॉय एनी यूरोपियन इन सर्विस विदाउट कंसल्टिंग द ब्रिटिश यानी अपने ही देश में कुछ भी काम करने के पहले इनसे परमिशन लो सोच के देखो कितना पेनफुल रहा होगा कितनी तकलीफ होती रही होगी जब हम आज़ाद नहीं थे तब अपार्ट फ्रॉम दीज दे हैड टू अग्री टू मेंटेन द ब्रिटिश ट्रूप्स ऑन देयर ओन कॉस्ट अपने ही देश में जो हमारे ऊपर राज कर रहे हैं जिनकी हम गुलामी कर रहे हैं मजबूरन उनके ही सेना को हमें हमारे कॉस्ट पे मेंटेन करना होगा <laughs> सोचिए रिसेंटमेंट कैसे नहीं होता सो वर्चुअली दे हैव टू लूज देयर इंडिपेंडेंस इंडियन रूलर्स जिनका ये देश था जो यहाँ के राजा थे वो मात्र नाम मात्र के राजा रह गए नेम से द वेरी नेक्स्ट वन वॉज डॉक्टरिन ऑफ लैप्स डिवाइज्ड बाय लॉर्ड डेलाउजी ही वॉज़ then the governor general of india this policy states that if an indian ruler died without a male heir his kingdom's would lapse now what does this lapse means it would come under the company's territory in india यानी अगर कोई राजा मर जाता है और उसकी कोई औलाद लड़का नहीं है तो उसकी तमाम जायदाद उसकी सारी संपत्ति उसका सारा राज्य ब्रिटिश का हो जाएगा कमाल के नियम बाई एस्ट एंड प्रेज रूल्स झांसी, सतारा जैतपुर संबलपुर उदयपुर नागपुर ये सारे राज्य इन्होंने इसी डॉक्ट्रीन इसी पॉलिसी के अंतर्गत अपने कब्ज़े में ले लिए इसके अलावा हिंदुस्तानी राजाओं को जो रीगल टाइटल्स जो रॉयल टाइटल्स जैसे नवाब राजा साहब या पेंशंस जो मिलती थी वो सब ब्रिटिशर्स ने वापस ले ली इंडियन रूलर्स फेल्ट दैट देयर स्टेट्स वो एनस्ट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स बट ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैब्स ऑफ ऑल मॉरल्स बाय द ब्रिटिश गिरने की हद कर दी ये सारे राजाओं का सोचना था कि उनकी सारी प्रॉपर्टी उनके सारे राज्य इस डॉक्ट्रिन के ऊपर नहीं बट अपने मॉरल्स को पूरा गिरा करके ब्रिटिशर्स ने उनसे ज़बरदस्ती हासिल किया नेक्स्ट वन इज द ऑन द प्रोटेक्सट ऑफ एलेजिड मिसरूल ज़बरदस्ती के कानून जिसे कहते हैं वो सब बनाए ब्रिटिशर्स ने 1856 में लॉर्ड डलाउजी हैड नेक्स्ट अवध ऑन दी प्रीटेक्स्ट ऑफ एलेजड मिस रूल उनका कहना था कि अवध में गवर्निंग यानी कि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो प्रॉपर नहीं है he declared that awadh was being misgoverned and british rule was needed to ensure proper administration this led the general public of the state to suffer as well as they had to pay higher taxes higher land revenue unemployment was everywhere estates of zamindars and talukdars were confiscated जब आम जनता को पता चला कि लॉर्ड लाउजी इस बेसिस पे कि प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है मिस गवर्न हो रही है वहाँ की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन सो आम जनता जो है उसे काफ़ी कुछ हरजाना भोगना पड़ा जब ब्रिटिशर्स ने अपने कब्ज़े में अवध को ले लिया क्योंकि उन्होंने लैंड रेवेन्यू टैक्सेस बढ़ा दिए हिंदुस्तानी जो काम करते थे उन्हें काम से निकाल करके अपने ब्रिटिशर्स को रोज़गार दिया तो इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा और जो वहाँ के ज़मींदार या ताल्लुक़दार्स थे उनकी प्रॉपर्टीज़ को ब्रिटिशर्स ने जब्त कर लिया कॉन्फिस्केट कर लिया दीज फैक्टर्स मेड अवध प्ले अ वेरी मेजर रोल इन दी अपराइजिंग ऑफ 1857 ज़ाहिर सी बात है इतना तकलीफ़ दे रहे थे किसी को बेशक बिल्कुल वो मेजर रोल प्ले करेगा बहादुर शाह और नाना साहब ये दोनों शख्सियत के साथ बहुत ही गंदा बर्ताव किया गया डिसरिस्पेक्ट शोन टू बहादुर शाह ज़फ़र बहादुर शाह जफर चूँकि मुग़ल थे बट फिर भी हिंदुस्तान के राजा उस वक्त माने जाते थे द मुग़ल रूलर ही वॉज़ अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द ई आई सी एंड ही यूज़ टू रिसीव अ पेंशन फ्रॉम द ब्रिटिश ब्रिटिशर्स ने उस दौरान जो कॉइंस बनते थे कंपनी के द्वारा पहले जो कॉइंस होते थे उसमें बहादुर शाह जफ़र का नाम होता था वो उन्होंने हटा दिया हिंदुस्तान में रह कर के हिंदुस्तान के राजा का नाम हटा दिया इन एटीन फोर्टी नाइन द लाउजी अनाउंस्ड दैट सक्सेसर ऑफ बहादुर शाह वुड नॉट बी परमिटेड टू तो यूज़ द रेड फोर्ट यानी कि बहादुर शाह तो राजा थे वो रहा करते थे रेड फोर्ट में बट ब्रिटिशर्स ने बोला कि इनके आगे इनके बाद इनके आने वाली जनरेशन रेड फोर्ट में नहीं रहेगी 1856 ठीक सात साल बाद लॉर्ड कैनिंग ने अनाउंस किया कि इनके सक्सेसर्स को इम्पीरियल टाइटल्स यानी कि राजा भी नहीं कहा जाएगा सिर्फ़ इन्हें प्रिंसेस या राजकुमार की उपाधि मिलेगी इससे जीनत महल जो बहादुर शाह जफर की बेगम थी उन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट प्लॉटिंग करना शुरू कर दिया षडयंत्र रचना शुरू कर दिया नाना साहब की बात करें सो so, नाना साहब बाजी राव सेकेंड के एडॉप्टेड सन थे बेटे थे बाजीराव सेकंड जिन्हें आखिरी पेशवा माना गया ब्रिटिश रिफ्यूज़ टू ग्रांट पेंशन टू हिम विच वाज गिवन टू बाजीराव सेकंड यहाँ पे भी उन्होंने आने वाली जनरेशन के साथ बुरा किया नाना साहेब को पेंशन नहीं दी जाती थी ये ऐसा ऐलान किया गया जबकि वो पेंशन बाजीराव सेकंड को मिलती थी नाना साहब रहने वाले पूना के थे पूना उनका गढ़ था बट ज़बरदस्ती उन्हें फ़ोर्स किया गया कि वो कानपुर जाके रहें इन सब कारणों की वजह से जो मराठास थे वो काफ़ी निराश हुए तो ये भी एक बहुत ही अहम भूमिका निभाया इन सारे कारणों ने जिसकी वजह से फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 को और आग मिली अपार्ट फ्राम दीज दे पोलिटिकल कॉजिज एज वेल विच ब्रॉडली इंक्लूड्स द एबसेंटी सॉवरेंटी ऑफ द ब्रिटिश इनह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ इंडिको कल्टिवेटर्स

लैंड रेवेन्यू को डबल कर दिया गया मुगल्स ने जितना लैंड रेवेन्यू रखा था ब्रिटिश ने उसका जस्ट डबल कर दिया फ्रीडम थी पावर थी भरपूर इस्तेमाल किया और लोगों को लूटा इंडिगो एक प्लांट था जिससे ब्लू कलर उस समय तो कलर्स इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं होते थे सो इंडिगो प्लांट का कल्टीवेशन होता था तो उनमें काम कर रहे लोगों को बहुत ही गंदी तरह से ट्रीट किया जाता था इन ट्रीटमेंट वॉज़ गिवन टू इंडिगो कल्टिवेटर्स और अगर कल्टिवेटर्स इनकी बात नहीं मानते थे सो so, इंडिगो से मेन ये इनकम करते थे ब्रिटिशर्स और अगर किसी किसान ने मना किया कि इंडिगो वो अपने फील्ड में नहीं ग्रो करेगा इंडिगो का उत्पादन नहीं करेगा सो so, ऐसे किसानों की ज़मीन जब्त कर ली जाती थी और जो भी क्रॉप्स वो प्लांट करते थे उन्हें ब्रिटिशर्स डिस्ट्रॉय कर देते थे दिस वॉज दे पनिशमेंट गरीबी घेरती जा रही थी हिंदुस्तानियों को लेकिन ब्रिटिशर्स के अत्याचार कम नहीं हो रहे थे लैंडेड एरिस्टोक्रेसी यानी कि ताल्लुकदार और ज़मींदार जो थे उन्हें उनके ही ज़मीन प्रॉपर्टी एस्टेट्स पे उनका कोई हक हाँ ही नहीं था एकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ इनाम कमीशन ट्वेंटी थाउजेंड एस्टेट्स वो कॉन्फिस्केटेड वन द लैंड लॉड्स फेल्ड टू प्रोड्यूस एविडेंस लाइक टाइटल डीट्स बाई विच दे हेल्ड द लैंड कागजात नहीं हैं तो वो ज़मीन ब्रटिशर्स की काफ़ी जमीनात ब्रिटिशर्स ने इस तरह से कब्ज़े में लीं और सफ़र कौन हुए इंडियंस जिन ज़मीनों पे वो सालों से राज करते आ रहे थे वो सब उनसे छीन लिया गया एज़ आई टोल्ड यू इमीडिएट कॉज किसी भी इवेंट का ये जो कॉज था ये सबसे बड़ा कारण था 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का अब इसमें हुआ क्या था देखते हैं एनफील्ड कंपनी थी ब्रिटिश की जो राइफल बनाया करती थी और राइफल में जो बुलेट्स जो कार्ट्रिजेस इस्तेमाल किया जाता था कहते थे और ये सच भी है कि उनकी ग्रीसिंग काऊ एंड पिग गाय और सुअर के फैट्स से की जाती थी अब गाय काउ इज़ द होली एनिमल फॉर हिंदूज एंड पिग सुअर इनऑस्पिशियस माना जाता है इस्लाम में दे टेक इट एज अ सिन इवन टू अटर द वर्ड पेग और सुअर सो ये रिसेंटमेंट हुआ हिंदू और मुस्लिम्स दोनों का ग्रीस्ड पेपर जो होता था कार्ट्रिज का उसे दांत से फाड़ना पड़ता था बिफोर लोडिंग द कार्ट्रिज इन टू द राइफल इनएविटेबल हो गया अनअवॉइडेबल हो गया आप और कोई ऑप्शन नहीं है अगर आप जॉब कर रहे हैं अगर आप सिपाही हैं ब्रिटिश आर्मी में सो so ये दो कम्युनिटी हिंदू एंड मुस्लिम्स हिंदुस्तान में काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुई थी इस बात पे एंड दिस वाज अपॉलिंग फॉर बोथ हिंदू एंड मुस्लिम सिपॉयज़ हु वर्किंग अंडर ब्रिटिश the next one are the economic causes arthik karan poverty and famines exploitation of natural resources drain of wealth from india decay of cottage and handicraft industries growing unemployment economic decline of peasantry inhuman treatment with indigo cultivators कुछ कॉजेज़ इनमें से पहले से भी लिए गए हैं क्योंकि इन कारणों की वजह से आर्थिक यानी फिनेंशियल कंडीशन भी काफ़ी आहत हुई थी पावर्टी यानी कि जैसा मैंने आपको बताया जब सारे रास्ते ही बंद कर दिए ब्रिटिशर्स ने हिंदुस्तानियों के लिए सो गरीब होते गए और इसके ऊपर there were 12 major and numerous minor famines between the year 1765 to 1857 in famines ki wajase, there were drought and other natural calamities and apart from this maladministration bad administration poor administration so brit ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नथिंग टू लेसन द पीपल्स माइजरी बट दे हैव इस्टार्टिड एक्सप्लोइटिंग दे हैव इस्टार्टिड एक्सप्लोइटिंग ऑल द नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल इन इंडिया हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था बट ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ से सारे रिसोर्स को एक के बाद एक निकाल के ले गए अच्छा इकोनॉमी को और तोड़ने के लिए इन्होंने कॉटेज और इंडस्ट्रीज़ में जो छोटे छोटे आर्टिसन्स अपना काम करते थे उससे अपनी रोज़ी रोटी चलाते थे उसे भी इन्होंने बंद किया जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा किसानों के बारे में तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि इंडी को कल्टिवेट वरना ज़मीन भी जाएगी और क्रॉप्स भी एंड इन ह्यूमन ट्रीटमेंट विद एंडिगो कल्टिवेटर्स दिस वॉज एक्सप्लेन टू यू अर्लियर इज़ वेल अब क्यों इनमें से कुछ कारण पहले भी थे और अभी भी थे क्योंकि ये सारे कारण कोई भी चीज़ जब पैसों से रिलेटेड होती है वेल्थ से रिलेटेड होती है तो वो इकोनॉमिक कॉजेस के अंदर आता है इस वजह से कुछ रीजन्स दोनों जगह इस्तेमाल करना सही है सोशियो रिलीजियस काजेस ब्रिटिशर्स एक चीज़ हिंदुस्तान आके अच्छी तरह से जान गए थे कि हिंदुस्तानियों को धर्म के नाम पे सामाजिक मतभेद करके भेदभाव करके बड़ी आसानी से लड़ाया जा सकता है <laughs> वो तो खैर आज भी होता है पहले ब्रिटिशर्स लड़ाते थे अब कोई और लड़ाते हैं खैर हमें क्या कम बैक टू द लेक्चर सोशियो रिलीजियस कॉजेस इंटरफेरेंस विद सोशल कस्टम्स एप्रीहेंशंस अबाउट मॉडर्न इनोवेशंस एप्रीहेंशंस का मतलब मालूम है नहीं मालूम सो रेफर डिक्शनरी पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करप्शन इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेशन ऑफ the poor एक्टिविटीज़ ऑफ the मिशनरीज fears रिगार्डिंग वेस्टर्न एजुकेशन टैक्सिंग religious places लॉ ऑफ प्रॉपर्टी ये सारे धार्मिक कारण थे सामाजिक कारण थे जिस वजह से फर्स्ट वॉर ऑफ़ इंडिपेंडेंस को और तवज्जो मिली इंटरफेरेंस विद सोशल कस्टम्स क्या था ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स लाए जैसे बॉलिशन ऑफ सती इन द ईयर 1829, इंट्रोडक्शन ऑफ विडो रीमेरिज एक्ट एटीन ओपनिंग ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन टू गर्ल्स कुछ इनके द्वारा लाए हुए नियम कानून एक्ट्स सराहनीय थे परेजवर्दी थे बट सारे नहीं उस द, उन दौरान बड़ी ही नैरो माइंडेड सोच होती थी लोगों की तो वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गए एप्रिहेंशन्स जो नई नई इनोवेशंस डिस्कवरीज इन्वेंशंस आ रही थी जैसे रेलवेज टेलीग्राफ्स तो शुरुआत में अगर आप अपनी दादी या नानी या पुराने लोगों से पूछेंगे तो आप यकीन नहीं मानेंगे स्विच ऑन करने में भी लोगों को लगता था डर <laughs> मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ सच है ये जो आसानी से आज आप फ़ैन लाइट ऑन कर देते हैं इट वॉज़ नाइट में फोदेम डरते थे लोग काफ़ी ऑर्थोडॉक्स इंडियंस ने ये भी बोला कि रेलवे कंपार्टमेंट में कास्ट के बेसिस पे रिजर्वेशन्स दें यानी कि बर्थ वगैरह जो है वो ऊंची जात के लोगों को मिलेगी और छोटी जात के लोगों को बैठ के ट्रैवल करना होगा ये सारी चीज़ें जो हैं ये थोड़ी सी अटपटी रही तीसरा था पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन रेस के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन करिए डिवाइड एंड रूल द ब्रिटिश ऑफिसर्स वर रूड एंड एरोगेंट टुवर्ड्स द इंडियंस दे बिलीव डेट दिस सुपीरियर टू इंडियंस एंड फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ कंटेम्प्ट टुवर्ड्स द इंडियंस बहुत गंदी तरह उन्हें ट्रीट करते थे Insult Kartete and such acts of unjust discrimination alternated the British from the Indian masses. Not only alternated in their thinking, but it also alienated Britishers from the Indian mentality. एडमिनिस्ट्रेशन में करप्शन पुलिस पेटी ऑफिशियल देवर करप्ट द रिच गॉट अवे विथ क्राइम बट द कॉमन मैन वॉज लूटेड ऑपरेस्ड एंड टॉर्चर्ड वो आज भी होता है ऑपरेशन ऑफ द पुअर द कॉम्प्लेक्स जुडिशियल सिस्टम इनेबल्ड द रिच टू ऑपरेस द पुअर अमीर गरीब को दबाता है फ्लॉगिंग टॉर्चर

मेन उद्देश्य था धर्म परिवर्तन कराना हिंदू और मुस्लिम्स को लालच दिया जाता था कि वो क्रिश्चियन बन जाएं उनके कस्टम्स को फॉलो करें उनके रिलीजन को फॉलो करें और ये आइडल वर्शिप ये सब छोड़ दें आफ्टर एटीन थर्टीन देर वॉज एन इंक्रीज़ बोथ इन नंबर्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ़ क्रिश्चियन मिशनरीज द इंडियंस थाट दैट द गोर्मेंट वॉर सपोर्टिंग मिशनरीज हु वुड कन्वर्ट दैम टू क्रिश्चियनिटी आज की डेट में देखिए आपको आपका एजुकेशन सिस्टम जो है वो मिशनरीज ही चला रहे हैं एटीन ट्वेंटी नाइन में बेंगाल गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश की एक इंग्लिश क्लास कैलकाटा मदरसा में जो एक मुस्लिम इंस्टीट्यूशन था बाद में इंग्लिश क्लासेस वर इंट्रोड्यूस्ड इन बनारस संस्कृत कॉलेज लोग थोड़ा सा वेस्टर्न एजुकेशन को लेके डरते थे उन्हें लगता था कि कहीं ऐसी एजुकेशन हुई तो लोग हमारे संस्कार हमारे ट्रेडिशंस भूल जाएंगे ये एक उस वक्त डर था इसके अलावा ब्रिटिशर्स ने कुछ धार्मिक जगहों में जाने के लिए अपने ही मंदिर मस्जिद जाने के लिए हिंदू मुस्लिम्स को टैक्स पे करना पड़ता था कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड लॉज भी ऐसे बनाए जो हिंदुओं के हिंदुस्तानियों के हक में नहीं थे सो ये थे सोशियो रिलीजस काजिस अब आते हैं मिलिट्री काजेस आर्मी जो उस वक्त थी उसमें अगर कोई इंडियन एज अ सोल्जर ब्रिटिश आर्मी में काम करता था तो जाहिर सी बात है कि उसके साथ ट्रीटमेंट बर्ताव तो अच्छा कतई नहीं होता था इल ट्रीटमेंट वॉज गिवेन टू द इंडियन सोल्जर्स जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856 में लागू किया गया वेर एन लार्ज प्रोपोर्शंस ऑफ इंडियंस वर इंक्लूडेड इन टू द ब्रिटिश आर्मी इंडियंस को इंक्लूड तो कर लिया बट प्रमोशंस हाई सैलरी देवर ब्लीक प्रॉस्पेक्ट्स फॉर एनी इंडियन सोल्जर डिप्राइवेशन ऑफ अलाउेंसेस प्रॉपर सैलरी वेजिस जो ब्रिटिशर्स उसी रैंक के ब्रिटिशर्स को मिलते थे वो इंडियंस को दूर दूर तक उसके आस पास के भी अलाउेंसेस नहीं ग्रांट किए जाते थे फॉल्टी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रूप्स जिन जगहों पे ज़्यादा ख़तरा होता था या जिन जगहों पे रहने की सहूलियत टफ़ होती थी उन जगहों पे इंडियंस को भेजा जाता था इस तरह से फॉल्टी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ ट्रूप्स किया जाता था और अपनी ब्रिटिश की टुकड़ी को सेफ़ एंड सहूलियत भरी जगह पे हालांकि ब्रिटिश ट्रूप्स का परफॉर्मेंस थ्रू आउट इंडियन ट्रूप्स के कम्पेरिजन में हमेशा ख़राब ही रहा है कॉन्सिक्वेंसेस की अगर बात कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है आउटकम रिजल्ट कारण हमने देख लिए क्या इंसिडेंट्स हुए थे वो समझ लिए अब हुआ क्या इवन दो प्राइजिंग ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन वॉज सप्रेस्ड बट इट्स शुक द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड इट्स वेरी फाउंडेशन इट ब्रॉट अबाउट द फार रीचिंग इफेक्ट्स टू द इंडियन सोशियो पोलिटिकल लाइफ जिनमें सबसे पहला था एंड ऑफ कंपनीज़ रूल आप जानते हैं ब्रिटिश हिंदुस्तान किस लिए आए थे अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं जानते हैं तो मैं बताता हूँ ब्रिटिश आने ब्रिटिशस का इंडिया आने का एक मात्र उद्देश्य था व्यापार बिजनेस जिसकी वजह से उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में खोली सो एंड ऑफ द कंपनीज रूल मीन्स दिस वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिजल्ट ऑफ द प्राइजिंग ऑफ 1857 एंड इट कंक्लूडेड द एंड ऑफ द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना 1858 में जिनके प्रोविजंस कुछ इस प्रकार थे इट ट्रांसफर्ड द पावर टू गवर्न इंडिया फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन द कंपनीज बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वर अबॉलिश्ड द पावर वाज टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया Aided by a council. Actual governance was to be carried on as before by the Governor General, who was also given the title of Viceroy or Crown's personal representative. Who was the first Viceroy under this Act? Lord Canning. Appointments of civil services were to be made by open competition. Under rules made by the Secretary of State. Angrezong Queen Victoria, Inca Proclamation. The Queen's proclamation incorporating the transfer of governance from East India Company to the British Crown was made public at Allahabad, now known as Prayagraj. On november first, eighteen fifty eight, by Lord Canning. In this proclamation, Queen promised that the government of India would follow a policy of non-intervention in social and religious matters of Indians. Treat all subjects, Indians and Europeans as equal. Education and ability would be on the basis of all appointments. To grant a general pardon to all those who had taken part in the war except those who were found guilty of murder of British subjects. Do its best to advance the industries in India. Promote works of public utility in India. So, as to ensure the material as well as the moral progress of the people. The third one is the end of Maratha's Peshwas and Mughals. With the death of Bahadur Shah II, who was deported to Rangoon, the Mughal dynasty came to an end. Nana Sahib, the last Peshwa, had taken an active part in the uprising and had fled to Nepal after the failure of uprising. So the office of the Peshwa also came to an end. Thus ended the two most formidable foes of the British, the Marathas. And the Mughals. Relations with princely states. The policy of annexation, doctrine of lapse were abandoned. Some of the Indian princes had remained loyal to the British and had helped them in suppressing the uprising. Their loyalty was rewarded. इन एटीन सेवेंटी सिक्स क्वीन विक्टोरिया अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ द एम्प्रेस ऑफ इंडिया पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल तोड़ो और राज करो आफ्टर एटीन फिफ्टी एट ब्रिटिश ने अपनी इस पॉलिसी को कंटिन्यू रखा ऑफ डिवाइड एंड रूल ना हाउ दे यूज़ टू डिवाइड स्टेट के आधार पे प्रोविंस अगेंस्ट प्रोविंस कास्ट के आधार पे कास्ट अगेंस्ट कास्ट ऊंची जात नीची जात एंड हिंदूज अगेंस्ट मुस्लिम्स दे एलियनेटेड द पीपल फ्रॉम देअ रूलर्स सबसे पहले वो लोगों को राजा के खिलाफ करते थे बाई गिविंग दैम स्पेशल प्रोटेक्शन एंड कंसेशंस racial antagonism the british believed in the racial superiority and they thought that a social distance was to be maintained railway compartments parks hotels clubs these places were reserved only for europeans india's foreign policy was dictated by the interests of the british government it fulfilled the two main aims protection of its Indian Empire, expansion of the British economic and commercial interest in Asia and Africa, as told to you. Then they have increased racial bitterness. After the uprising of 1857, racial bitterness increased. The British dubbed all Indians as unworthy of trust and subjected them to insults. एंड ह्यूमिलशन बहुत गंदा ट्रीट करते थे ब्रिटिश इंडियंस को द ब्रटिश रूलर्स डिक्लेय रिलीजियस चेंजस इम्फेटिकली दॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफियरेंस इन द रिलीजियस अफेयर्स कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ द इंडियंस The Indian army was reorganized after 1858 to prevent the reoccurrence of another uprising in such a manner where the strength of European troops in India was increased. The ratio of European to Indian troops was fixed at 1 to 2, Bengal Army, mein, Madras and Bombay Army mein 2 to 5 ratio. So, practically the same ratio was maintained till the First World War. European troops were kept in key geographical and military positions. Newspapers, journals, nationalist publications were prevented from reaching the soldiers to keep the Indian Army separated from the life of the rest of the population. सिविलियंस और आर्मी वाले अलग अलग होते हैं ये यहीं से स्टार्ट हुआ द ड्रॉबैक्स किस वजह से ये सक्सेसफुल नहीं हुआ पहला लैक ऑफ प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप थ्रू आउट द लेसन हम देखते आए हैं कहीं पे भी हिंदुस्तान की तरफ से ना ही कोई प्लानिंग थी ना ही कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन था और ना ही किसी तरह की लीडरशिप थी सेकंड, लैक ऑफ कॉमन कॉज हर इंसान अपने लेवल पे अपने लिए लड़ रहा था किसी का भी एक उद्देश्य नहीं था कि देश को आज़ाद करना है थर्ड जो कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी लोग बटे हुए थे सो लैक ऑफ पार्टिसिपेशन वॉज तय

इवेंट को स्टार्ट करने की डेट कुछ और ही थी बट ये स्टार्ट फिक्स डेट निर्धारित समय से काफ़ी पहले हो गया ये सारे ड्रॉबैक्स थे जिनकी वजह से इवेंट सक्सेसफुल पूरी तरह से नहीं रहा अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ हिस्ट्री का कोई भी चैप्टर कोई भी लेसन पढ़ें उसकी क्रोनोलॉजी को ज़रूर प्रॉपरली मेंटेन करें क्रोनोलॉजी यानी डेट्स एंड इवेंट्स डेट्स इवेंट्स पर्सन एसोसिएटेड विद द इवेंट एंड द प्लेस एसोसिएटेड विद द इवेंट ये चार कॉलम हर लेसन के बना लो हिस्ट्री इजी हो जाएगी लास्ट रिवीजन के लिए यही काम आते हैं एग्जाम के आसपास सो मेन इवेंट्स की क्रोनोलॉजी फर्स्ट वॉर ऑफ़ इंडिपेंडेंस में हम देखते हैं कब कहाँ क्या किसके साथ हुआ 1856, 1857 फ़रवरी 26 सिक्स बी अलर्ट बिरहामपुर बिहार अनरेस्ट अमंग सोल्जर्स मार्च ट्वेंटी नाइन्थ एटीन फिफ्टी सेवन रिसेंटमेंट बाय मंगल पांडे मे नाइन्थ एटीन फिफ्टी सेवन मेरठ में रिसेंटमेंट बाय एटी फाइव ऑफ थर्ड केवेलरी मे टेंथ एटीन फिफ्टी सेवन मेरठ सपॉय ब्रोक आउट दिल्ली की ओर चल दिए ग्यारह मई से तेरह मई तक मुगल एम्प्रर ने प्रोक्लेम किया एज एम्प्रर ऑफ इंडिया आउटब्रेक्स हुए दिल्ली फिरोजपुर, बॉम्बे बरेली अलीगढ़ इटावा बुलंदशहर और लखनऊ में जून 1857 में अपराइजिंग हुई ग्वालियर भरतपुर झांसी अलाहाबाद फैज़ाबाद अगस्त 1857 अपराइजिंग एट इंदौर महू सागर झेलम लकोट अपने जनरल नॉलेज को बढ़ाने के लिए आप ये सारी जगह अगर आपको नहीं मालूम है कहाँ हैं तो उसे देखें सितंबर 1857 में दिल्ली पे फिर कब्जा किया ब्रिटिशर्स ने नवंबर में ब्रिटिश को मुंह की खानी पड़ी डिफीट ऑफ द ब्रिटिश कहाँ पे कानपुर दिसंबर विक्ट्री ऑफ ब्रिटिश एट कानपुर एस्केप ऑफ तांतिया टोपे भाग निकले थे वो मार्च 1858, रीकैप्चर ऑफ लखनऊ बाय ब्रिटिश अप्रैल विक्ट्री ऑफ ब्रिटिश एट झांसी अपराइजिंग इन बिहार बाय कुंवर सिंह जून 17, एटीन फिफ्टी एट डेथ ऑफ़ रानी ऑफ झांसी मनीकर्णिका तंबे बहुत कम लोगों को उनका पूरा नाम पता है जिन्हें पता है बहुत अच्छी बात है जिन्हें नहीं पता वो आज पता चल गया जुलाई से दिसंबर 1858 फिफ्टी री ऑफ ब्रिटिश अथॉरिटी इन इंडिया अप्रैल 1859 तांतिया टोपे कैप्चर्ड पकड़े गए एंड हैंग्ड टू डेथ तो ये थी क्रोनोलॉजी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857 के नोट्स बनाइए बहुत ज़रूरी है बिना नोट्स के कुछ नहीं समझेगा अभिलाष कोच एंड एजुकेशन सर्विंग स्टूडेंट्स इन टू थाउजेंड एंड एट लेक्चर पसंद आया हो सो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें मोस्टली सी बी एस ई आई सी एस ई स्टेट बोर्ड और स्पोकन इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए इस्पेशली ग्रामर सेक्शन मैथ्स कंसेपचुअल टॉपिक्स ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं हमारे चैनल में यूट्यूब में इन्हें ऑल ओवर इंडिया फ्री देखा जा सकता है सो डू सब्सक्राइब एंड शेयर आर चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग इट्स मी अबिलाश सिन्हा आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया करता है आपने इस चैनल को लाइक किया सब्सक्राइब किया कीप इन टच कॉमेंट योर क्वेरी और डाउट इफ़ यू हैव आने वाले समय में अगर आपको कोई स्पेशल टॉपिक पे लेक्चर चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं Have a great day ahead. Thank you.